ब्लॉक प्रागपुर की ग्राम पंचायत बिहड़ में 30 वर्षों से सड़क नहीं है। अभी 2 फरवरी को देहरा के चनौर में सरकार का जनमंच कार्यक्रम भी होना है, जिसमें बिहड़ पंचायत को भी शामिल किया गया है। इस इलाके में रोजाना स्कूली बच्चों सहित काम पर जाने वाले लोग कीचड़ से लबरेज रास्ते से गुजरने को मजबूर है। यहाँ पिछले 30 वर्षों से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से सड़क पर मिट्टी डाल दी गयी, जिससे हालात बदतर हो गए। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत बिहड़ के प्रधान व उप प्रधान पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। रास्ते में फिसलन और कीचड़ की वजह से कपड़े भी खराब हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत हर जगह की, लेकिन मुसीबत बनी हुई है। बिहड़ से नंगल तक बनने वाली सड़क पीडब्ल्यूडी की है और विभाग ने भी इस सड़क पर 4 ठेकेदारों को अलग अलग ठेके दे रखे हैं, लेकिन ना तो काम हो रहा है और ना ही कोई समाधान निकाला जा रहा है। बारिश ने भी ग्रामीणों का जीना दुभर कर दिया है। सड़क पर जगह जगह कीचड़ भरा है और आना जाना मुश्किल है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों की सुध कौन लेगा? शेर सिंह, राजकुमार, सुरेंद्र सिंह, राजीव कुमार, अंकित, कुलदीप सिंह, संजीव कुमार, विक्रमजीत, मंजीत, मोहनलाल, कमला देवी, हेमलता, रंजना देवी, निर्मला देवी ने कहा कि ग्रामीण 30 वर्षों से काले पानी की सजा काटने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि कई बार पंचायत प्रधान व अन्य प्रतिनिधियों को इस बारे अवगत करवाया, लेकिन हालात ज्यों के त्यों हैं। वहीं मौके पर पहुंचे बिहड़ के उप प्रधान तरसेम ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि सड़क पर मिट्टी किसने डाली है। उन्होंने कहा कि एक दिन के अंदर ही वो मिट्टी को हटा देंगे, जिससे रास्ता चलने लायक हो जाए। मैं 2 साल पहले यहाँ का उप प्रधान बना था। 2 साल से काम लगातार कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं अपने MLA श्री होशियार सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज यहाँ पे 2 रास्ते हैं, ये एक रास्ते का काम लगा हुआ है और दूसरे यही रास्ते से पूरी ट्रैफिक या पूरे बच्चे जो है यहीं से जा रहे हैं, ठीक है ना। बारिश की वजह से ये प्रॉब्लम आई, मैं ये मानता हूँ इस चीज़ को। सर, मिट्टी ऐसे डाली है कि जब ये काम लगा हुआ था तो उसमें कोई ट्राली वाला, मतलब बीच में जो जा रही थी, तो हम ऊपर थे जहाँ रोड का काम लगा हुआ था, तो कोई ट्राली मतलब यहाँ पे पलटी की है, ठीक है ना। और उस समय हमें भी ये पता नहीं चला कि कौन मिट्टी यहाँ पे डाल गया, सफाई करने लगे, लेकिन उस टाइम बारिश शुरू हो गई उसी टाइम। और 3 दिन पहले जब आज शाम को, कल परसों और बीच में मेरी बच्ची की शादी भी थी 2 दिन, आज शाम को हम प्रपोजल बना लिया इसका कि इसको या तो यहाँ से आउट किया जाए या इसमें बजरी डाल के इसका प्रावधान कर दिया जाएगा 1 और 2 दिन के अंतर। आज ही वैसे तो आज किया जाएगा, नहीं तो कल शाम तक यह प्रबंधन हो जाएगा। ये गांव नंगल का रास्ता जो बीड़ को जाता है, यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक का काम लगा हुआ है जो कि MLA होशियार सिंह पैसा देकर के बनवा रहे हैं उसका, ठीक है। और दूसरा एक सिंगल ही रास्ता है ये। और ये भी मैं बता देता हूँ सर कि ये प्रॉब्लम रास्ते की आज नहीं आई, पहले से थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि हम इसका प्रॉब्लम ये बन गई है कि ये रास्ता सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अभी ये रास्ता इस्तेमाल हो रहा है। ये वाला नए के लिए अभी तक 10 लाख रुपए का टेंडर हुआ है, ठीक है ना, 10 लाख का टेंडर हुआ है जो PWD में हुआ, ठीक है ना। इसका भी 10 लाख का टेंडर हुआ है और इसका काम चला हुआ, जो कि 4 ठेकेदार यहाँ पे एक के बाद एक कर रहा है। और इसमें मतलब देरी भी इसलिए हो रही है कि एक ठेकेदार काम कर रहा है, फिर दूसरे का नंबर आ रहा है। अभिलाषा है मेरा नाम, मैं नंगल की निवासी हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे रास्ते यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है। बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, सभी जो भी कहीं काम वाले काम पे जाते हैं, तो रास्ता इतना गंदा है और बारिश में तो इतना बुरा हाल है कि बच्चा कोई फिसल के गिर जाए या कोई बड़ा बुजुर्ग भी गिर सकता है। तो रास्ते में चलने लायक मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है, यहाँ पे इतने बुरे रास्ते हैं। और हमारी पंचायत भी इस सिचुएशन में समझ नहीं आता क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतने सालों से कई आए हैं कई जा रहे हैं, बट काम यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है रास्ते की, अभी 21वीं सदी में भी। और हमारा कंट्री तो अभी बहुत ही ज़्यादा डिवेलप हो गया है, बट इस सिचुएशन में भी यहाँ पे देख लो आप कैसे रास्ते हैं। और क्या बीर से नंगल का, हाँ जी, और नंगल में भी यहाँ पे हजार छप्पड़ के पास, हाँ, थाउजेंड्स लोग रहते होंगे, 1000 के टाइप लोग रहते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी आप देख लो कि कैसे है। नंगल से, और यहीं पर मैं काम करती हूँ। दिन क्या हर रोज हमें जाना ही पड़ता है, तो इन रास्तों से होकर गुजरना, बारिश का मौसम हो तब भी अच्छा नहीं है, अगर ऐसे भी ठीक भी मौसम हो तब भी। आप देख ही रहे हैं क्या माहौल बना हुआ है, बच्चों की इतनी बुरी हालत होती है बारिश में, दिन में भी। और गाड़ियाँ इतने खुले भी नहीं है रास्ते कि गाड़ियाँ जाती हैं, तो बच्चों का तो ये ऐसे हो जाता है कि बच्चे नीचे आके भी, गाड़ियों के नीचे आके भी वे हो सकते हैं। जायद कोई दोष देते हैं और लोगों को भी देते हैं, जो रास्ता नहीं बनने देते हैं ना उन्हीं को देते हैं।
कुछ यहाँ के लोग भी जागरूक नहीं है, जागरूकता की वजह ही रही है सारी। बनाना ही नहीं कोई भी है, कोई भी हल नहीं निकालता। मैं भी यहाँ 20 साल से शादी हुई है मेरी, तो 20 सालों से देखती आ रही हूँ। पहले पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, पानी थोड़ा बहुत तो अभी तक फिर भी प्रॉब्लम है, पर इसकी तो रास्ते की तो कभी मुझे तो लगता नहीं है जाएगी, बहुत ही बुरा। देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि बिहण से नंगल सड़क के लिए 40 लाख का टेंडर हो गया है। उन्होंने कहा कि 30 वर्षों से समस्या थी जिसका समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख का काम बिहण के स्कूल के पास से शुरू हो गया है, वो बाकी का काम उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से होगा। है दो रास्ते हैं और उन दोनों रास्तों के लिए जो है हमने एक रास्ता जो गुज्जर बस्ती है जिसके लिए हमने 30 लाख रुपया मंजूर करवाया और एक थापड़ा बस्ती है जो ऐसी बस्ती को जाता है उसके लिए हमने 10 लाख रुपए मंजूर कराए। तो अब इसका ठेका हो चुका है, ठेकेदारों ने बड़े जोर शोर से दिन रात ये काम चलाया हुआ है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ मुश्किलात तो आएगी एक महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना, पर एक महीने के बाद ये जो रास्ता है ये पूरी तरह कंक्रीट का रास्ता हो रहा है, इसको PWD बना रही है। तो मैं निवेदन करूँगा वहाँ के गाँव वासियों से कि वो जो है हमारी सरकार की मदद करें, PWD की मदद करें। जो कीचड़ अब है इस वक्त वो ड्यू टू बारिशों के कारण है, तो बहुत जल्द जो है बारिशें जब हट जाएगी तो इससे मैं तुरंत रिपेयर करा दूंगा, लेकिन महीने के अंदर अंदर वो रास्ता पक्का हो जाएगा, कंक्रीट का हो जाएगा। PLTV के लिए देहरा से ब्यूरो रिपोर्ट।